क्या अपनी शादी के लिए अफसाना खान बाहर आई हैं? दरअसल अफसाना खान ने बाहर आने के बाद अभी तक शो से रिलेटेड भले ही कुछ भी पोस्ट ना किया हो, लेकिन एक चीज जो है उन्होंने शेयर की है। हालांकि इसके बाद जो उन्होंने लिखा है वो पंजाबी में है, लेकिन उन्होंने ये लिखा है, दुल्हन हमारी संभाल कर ले जाना, ये उन्होंने शेयर किया है। हालांकि उन्होंने पंजाबी में लिखा था, लेकिन अगर उसका मैं ट्रांसलेशन करूं तो ये है, वी हैव अ डिफरेंट स्टेटस सर, वी डोंट केयर हु यू आर, पॉलिटिक्स इज डन बाय दोज हु वांट टू विन द वॉर, वी ट्राई टू विन हार्ट्स एवरी टाइम। तो ये उन्होंने पंजाबी में शायद एक कोट डाला था, लेकिन जो इंस्टाग्राम पर सी ट्रांसलेशन का होता है उसको जब मैंने प्रेस किया तो वो ट्रांसलेट होकर आ रहा है कि पॉलिटिक्स इज डन बाय दोज हु वांट टू विन द वार, वी ट्राई टू विन हार्ट्स एवरी टाइम। यानी कि जिसने इस गेम को जीतने के लिए जो पॉलिटिक्स होनी थी वो तो हो ही गई, हम तो जो है वहां पर दिल जीतने गए हुए थे। तो ये इस तरीके से एक पोस्ट शेयर किया गया है अफसाना के अकाउंट पर। ये पोस्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक तो ये कि दुल्हन हमारी संभाल कर ले जाना, यानी कि क्या अफसाना शादी के लिए, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि उनकी जल्द शादी होने वाली है, और जब अफसाना का एविक्शन हुआ तब ये भी बात निकली कि क्या शादी की वजह से उन्हें जल्दी जो है वो इस तरीके से निकली, कि कोई भी अपनी इमेज ऐसे खराब करके शादी के लिए बाहर क्यों जाएगा। वहीं दूसरा जो उन्होंने कलर्स का वूट का ये शेयर किया है, दुल्हन हमारी संभाल कर ले जाना, और उसके साथ ये जो लाइन लिखी है, पॉलिटिक इज डन बाय दोज हु वांट टू विन द वार, वी ट्राई टू विन हार्ट्स एवरी टाइम, कि जिन्होंने जंग को जीतना था उन्होंने तो राजनीति करके सब कुछ जो करना था वो कर ही दिया, हम तो खैर दिल जीतने गए थे, जो अफसाना मैं कहूंगी वाकई में जीता है। तो आप इस पोस्ट का क्या मतलब लेंगे, शेयर जरूर कीजिएगा।